शेख में अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी केजरीवाल लेबर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो आज ये प्रेस क्लब श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा और इसका मेन मुद्दा और मकसद यही है कि जो हम सफाई कर्मचारी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, और हमारी गुजारिश यही है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमें एसआरओ 64 के तहत यहाँ रेगुलर किया जाए या यूटी का मिनिमम एक्ट हमारे ऊपर लागू किया जाए। हमने बार बार बाल हुकाम से गुजारिश की है कि हम वही सफाई कर्मचारी जो अपने जान को जोखिम में डालकर काम को अपने अंजाम दे रहा है, हमने कोविड-19 में भी अपने जान की लापरवाह करते हुए अपने काम को अंजाम दे रहा है। अब तो हमारे बच्चे हमारे साथ मुतासर हुआ, हम जाए तो कहाँ जाए, 6,750 रुपए कौन सा गुजारा कर सकते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम को ये गुजारिश करना चाहते हैं, आप हमें 6,750 रुपए में घर जला के देखे और फिर देखे सफाई कर्मचारी के लेबर किन हालात से गुजर रहा है। इसलिए हमने आज ये फैसला किया है कि 1 मार्च तक अगर हमारे सफाई कर्मचारी के लेबर्स को, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हो चाहे कश्मीर प्रोविंस के, अगर हमारे रेगुलेशन पॉलिसी को वाजिया नहीं किया गया या मिनिमम वेज एक्ट को लागू नहीं किया गया, हम भूख हड़ताल पे आ जाएंगे, तालाबंद हड़ताल पे आ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया पे आयद होगी और यहाँ के गवर्नर इंतजामिया पे आयद होगी, क्योंकि अब तो हमारे साथ हमारे बच्चे मुतासर हुआ है। इस बार हम खाली कुछ कमेटियों के सफाई कर्मचारी को यहाँ पर बुलाया है, अगली बार जो भी प्रोग्राम होगा उसमें हमारे बच्चे भी साथ होंगे और सभी सफाई कर्मचारी के लेबर उस प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे। जो भी उस प्रोग्राम में जो भी जिम्मेदारी आयद होगी वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया पे आयद होगी और गवर्नर इंतजामिया पे आयद होगी। हम तो सफाई कर्मचारी के लेबर और कंसल्टेंट वर्कर अर्बन लोकल बॉडीज में कम से कम 2,000 की तादाद में हम सफाई कर्मचारी और कंसल्टेंट वर्कर हम तो 6,750 रुपए भी पे ले रहे हैं। हमारे महकमे अर्बन लोकल बॉडीज में था एसआरओ 64 के तहत 7 साल जिनको कवर होता था उनको उस एसआरओ पे रेगुलर किया जाता था। अब तो हमारी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, या तो हमें यूटी का मिनिमम वेज एक्ट हमारे ऊपर लागू किया जाए या एसआरओ 64 के तहत हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि अब तो हम कसम पुशीर के हालात में गुजर रहा है।